ब्रेक के बाद बात करेंगे गाजियाबाद की खबर। गाजियाबाद से है जहां पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर इरेज राजा ने देहात क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर इरेज राजा के साथ लोनी क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर, लोनी कोतवाल व अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। लोनी की भीड़ भाड़ बड़े बाजार में रामलीला मैदान दुर्गा मंदिर लोनी का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। क्योंकि रामनवमी और दशहरा आने वाले हैं और पर्व हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी हर्षोल्लास से लोग इसको मनाते हैं दोनों पर्वों को, तो इस कारण से फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है और हम सभी लोगों ने यहां पर सभी थाना क्षेत्रों में देहात क्षेत्र में पैदल गश्त की गई है और सभी अधिकारी सभी लोग इसमें शामिल रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो थोड़ा ज्योग्राफी समझ में आ जाए कहाँ कहाँ पर त्यौहार होने हैं, मंदिर कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर आयोजन होने हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। इसके कारण से आज पैदल गश्त की गई लोनी क्षेत्र में और आगामी दिनों में भी लगातार पैदल गश्त जारी रहेगी। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के लोनी तिराहे पर और आपको बता दें कि आज लोनी तिराहे पर SP ग्रामीण डॉक्टर इरेज राजा, क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल कुमार सोनकर और तमाम थाना प्रभारी और जो चौकी प्रभारी हैं उन सभी लोगों ने मिलकर लोनी के मुख्य बाजार यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पैदल गश्त की है और त्योहारों को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका जायजा लिया है। सुरक्षा के साथ साथ अगर बात करें जो SP देहात डॉक्टर इरेज राजा ने ग्रामीण जो देश क्षेत्रवासी या देशवासी हैं उन सभी को त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं और वही कहा है कि जो लोग हैं जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करें, त्योहारों को मनाएं और जो ऐसे तत्व हैं जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के तमाम जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर आज पुलिस बल के साथ गश्त की गई थी। पैदल गश्त करने के बाद जो लोग हैं जो लोनी का जो बाज़ार है तमाम बाज़ार यहाँ पर गश्त की गई है और तमाम पुलिस के अधिकारी आप मेरे पीछे देख पाएंगे यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा स्थल यानी कि जो धार्मिक स्थल है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उन धार्मिक स्थलों को निरीक्षण के बाद वहाँ पर जो देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और जो ग्राम ऐसे लोग हैं जो कुछ गड़बड़ कर सकते उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जो पुलिस है पूरी तरह से त्योहारों को लेकर सतर्क है और सतर्कता के साथ यानी कि शांति के साथ त्योहारों को मनाने की अपील जनता से कर रही है। जयवीर मावी, KNews गाजियाबाद।